सर दोस्तों यार इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड चला है और इसमें मिलियंस पर व्यूज आ रहे हैं, आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इस तरह की जो वायरल ट्रेंड वीडियो है आप कैसे बना सकते हो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको VN एडिटर एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों यार यहाँ पर मैंने VN एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। आपको उस रील्स को डाउनलोड कर लेना है जो अभी ट्रेंडिंग पर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। अगर आपसे डाउनलोड करते नहीं आता है तो मैंने इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट इस तरह से क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं उस रील्स को ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से मैं ऐड कर लिया। फिर इसके बाद आपको इस तरह से जाना है और यहाँ पर ये जो फोटोज़ ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर इसे कट कर लेना है और आगे आके इसे कर लेना है डिलीट और इसे भी डिलीट। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ ऐड करना है, आपको जो भी फ़ोटो ऐड करना है आपको यहाँ पर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो यार मैंने यहाँ पर फ़ोटो ऐड कर लिया है। इसके बाद आपको इस तरह से एक फ़ोटो पर क्लिक कर लेना है और इन्हें कर लेना है आपको ट्रिम। ठीक है, यहाँ पर मैं 60 सेकंड रख लेता हूँ, आपको जितना भी रखना है रख लेना, पर ये 60 सेकंड इस पर परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से सभी को आपको 60 सेकंड इस तरह से रख लेना। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। तो दोस्तों यार यहाँ पर मैंने सभी को 60 सेकंड पर रख लिया है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाके आपको जो भी इफेक्ट डालना है इन फोटो पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर जिटर डाउन इस तरह से क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई टू आल इस तरह से कर लेना है और यहाँ पर इस तरह से आपको फर्स्ट वाले पर इस तरह से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इफेक्ट्स के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर इसे हटा लेना। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर सभी पर इस तरह से ये इफेक्ट लग जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इसका जो साउंड है इस तरह से बंद कर लेना है और यहाँ पर म्यूजिक के ऑप्शन पर जाके यहाँ पर म्यूजिक को ऐड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्लस के आइकन पर चला जाता हूँ और यहाँ पर इस तरह से वीडियो के ऑप्शन पर चले जाता हूँ। ठीक है, आपने जो रील्स डाउनलोड किया है उसे इस तरह से सिलेक्ट कर लेना, तो वो यहाँ पर वीडियो से MP3 पर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं इसे कर लेता हूँ इस तरह से बैक। ठीक है, और इसे कर लेता हूँ इस तरह से सिलेक्ट। फिर इसके बाद इसे कर लेता हूँ डन। अब मैं यहाँ पर आपको चला के दिखा देता हूँ जो हमारी रील्स है किस तरह की बनी हुई है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो।